किसान आंदोलन के समर्थन में उतरे कांग्रेस युवा नेता दिल्ली पहुंचकर किया समर्थन। केंद्र सरकार द्वारा लाए गए कृषि बिल का विरोध किसानों के द्वारा देश प्रदेश जिला सहित ब्लॉकों में किया जा रहा है। वहीं किसानों के द्वारा लगातार कुछ महीनों से दिल्ली में धरना प्रदर्शन कर बिल को वापस लेने की मांग सरकार से की जा रही है, लेकिन केंद्र सरकार किसानों की कोई भी मांग मानने को तैयार नहीं है। इसी सिलसिले में मध्य प्रदेश के रीवा जिले से भी कांग्रेस के युवा नेताओं का समर्थन किसानों को पूरी तरह से मिल रहा है। मऊगंज विधानसभा के पूर्व विधायक सुखेंद्र सिंह के नेतृत्व में युवा कांग्रेस के नेताओं सहित कई किसान दिल्ली पहुंचकर कृषि बिल के विरोध में धरना प्रदर्शन किया व बिल वापस लेने की मांग केंद्र सरकार से की। बताया गया कि दिल्ली में चल रहे धरना प्रदर्शन में केंद्र सरकार के द्वारा किसानों के साथ बेहद ही बर्बरतापूर्ण तरीके से पेश आ रही है और पुलिस के द्वारा किसानों को रोकने के लिए बैरिकेड नुकीले तार बैठा दिए गए हैं, जिससे कि किसान अपना विरोध भी ना जता सके। किसानों के साथ सरकार बेहद ही क्रूरतापूर्ण ढंग से पेश आ रही है, जो कि पूर्णतः गलत है। हालांकि कांग्रेस युवा नेताओं के द्वारा लगातार विरोध प्रदर्शन कर किसानों का समर्थन किया जा रहा है। प्रयाग एक्सप्रेस न्यूज़ के लिए रीवा से रोहित पाटिल की खास रिपोर्ट। कांग्रेस जिंदाबाद, यूएसए जिंदाबाद, यूथ कांग्रेस जिंदाबाद, यूएसए जिंदाबाद, यूथ कांग्रेस जिंदाबाद, राहुल भैया जिंदाबाद, 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 राहुल भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हम लोग हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय विक्रांत भूरिया के नेतृत्व में निर्देश में हम लोग रीवा जिले से, हमारे जिला अध्यक्ष आशुतोष तिवारी जी, माननीय पूर्व विधायक सुखन सिंह बन्ना जी के मार्गदर्शक में हम लोग दिल्ली गए थे। सभी युवा साथी दिल्ली गए थे, अच्छा आंदोलन किए हैं। वहाँ पर लाखों से ऊपर भीड़ थी हमारे युवाओं की, युवाओं में एक नया जोश देखने को मिला। हम लोग किसानों के प्रति समर्पित हैं, हम भी कहीं ना कहीं से किसान के पुत्र हैं, किसान के बेटे हैं। और हम लोग ये माननीय मोदी जी से यह कहना चाहते हैं कि अगर मोदी जी आप किसानों पर ये तीनों काले कानून बिल ले के आए हैं और हमारे किसान भाई हम लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं इस बिल को, तो आप उनके ऊपर ज़बरदस्ती क्यों थोपे जा रहे हैं ये बिल को? हाँ, इसके विरोध में हमारी युवा टीम जो है किसानों के सम्मान में हम लोग देख के आए हैं। किसानों की हालत, सिंधु बॉर्डर में बड़े बड़े दीवाले लगा दी गई हैं, वहाँ पे नुकीले तार बिछा दिया गया है, जिससे हमारे किसानों के अत्यंत समस्याएं हो रही हैं। और हम सभी युवा साथी किसानों के सम्मान में ये लड़ाई लड़ते रहेंगे, आगे और भी इससे बड़ा बड़े आंदोलन करेंगे और ये भ्रष्टाचारी सरकार, मोदी सरकार को हम नतमस्तक करने के लिए मजबूर करेंगे इसका हम लोगों को। आपका नाम क्या? मेरा नाम मानस तिवारी है, मैं विधानसभा युवक कांग्रेस अध्यक्ष मऊगंज का।